तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक की मॉम ने उसकी मैरिज के लिए एक सेरेमनी रखी थी जिसमें माइक कई लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था, पर तभी एक पर्पल आईज वाली लड़की आती है जो माइक को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो लड़की अचानक से एक डीमन में बदल जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम माइक की फैमिली के ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जो शराब पी रहे थे। तभी उनके घर की कैंडल्स बुझ जाती है और वहाँ खिड़की से एक डीमन आ जाता है जिसका नाम किमिंग था। अब वो ग्रैंड एल्डर किमिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे किमिंग बोलता है कि सेवन डिवाइन बीट्स की वजह से मेरा क्लैन तुम्हारे प्लैनेट पर कब्जा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे क्लैन के लोग लाखों सालों तक नींद में चले गए, लेकिन अब 100 साल बीत चुके हैं जिसकी वजह से हमारे क्लैन के लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, तो हम फ्यूचर में इस प्लैनेट पर कब्जा जरूर कर लेंगे। इसके बाद किमिंग एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ 7 डिवाइन बीट में एक पियरलेस बीट लेने आया हूँ। ये सुन के एल्डर चौंक जाते हैं, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर किमिंग एल्डर से कहता है कि आप गुस्सा मत कीजिए क्योंकि मैं यहाँ आज किसी को मारना नहीं चाहता, ऊपर से फ्यूचर में इस प्लैनेट पर कब्जा करने के बाद हमें गुलामों की जरूरत पड़ेगी। अब किमिंग एल्डर से बोलता है कि मुझे पियरलेस बीड मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर गुस्से में अपनी वाइन किमिंग पर फेंक देते हैं, लेकिन किमिंग उस वाइन को कलेक्ट करके पी जाता है और हंसने लगता है। इधर हम उस पर्पल आई वाली डीमन को देखते हैं जिसका नाम यिमिंग था, जिसका असली रूप देखकर वहां आई सारी पब्लिक डर के मारे वहां से भाग जाती है। इसके बाद यिमिंग उन सबसे कहती है कि मैं यहाँ तुम सबको मारने के लिए डीमन डोमेन से आई हूँ, जिसपे माइक के फादर यिमिंग से बोलते हैं कि हमारी सिटी की तो तुम्हारे डोमेन के साथ दुश्मनी ही नहीं है, तो तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। तो यिमिंग कहती है कि मैं यहाँ बस पियरलेस बीड लेने आई हूँ क्योंकि वो हमारे क्लैन के लिए जरूरी है, इसलिए वो हमें दे दो वरना मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। तो माइक बोलता है कि मुझे वो बीट देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मेरी बॉडी से जुड़ चुका है तो तुम उसे कैसे लोगी। ये सुनकर माइक के फादर उसे चाटा लगा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि पियरलेस बीड ह्यूमंस के लिए एक वरदान है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ह्यूमंस पर कब बड़ी मुसीबत आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें पियरलेस बीड को अपनी जान पर खेल कर भी बचाना होगा, क्योंकि पियरलेस बीड ही ह्यूमंस के सर्वाइवल की लास्ट होप है। ये सुनकर यिमिंग हंसते हुए बोलती है कि भाषण अच्छा था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब हम डीमंस इस प्लैनेट पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद यिमिंग माइक के पास जाकर उस पर अटैक करती है ताकि माइक मर जाए और पियरलेस बीड उसे मिल जाए, लेकिन माइक की मॉम उसे बचा लेती है। पर यिमिंग के हल्के से अटैक से ही वो पूरा स्टेडियम ही टूट गया था। अब माइक के फादर अपने सैनिकों के साथ यिमिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन यिमिंग एक झटके में उन सबको दूर फेंक देती है जिससे सैनिक मर जाते हैं और माइक के फादर बहुत घायल हो जाते हैं। ये देखकर माइक को अपने फादर की चिंता होने लगती है, लेकिन माइक की मॉम उसे फादर के करीब नहीं जाने देती। तभी माइक के फादर उठ जाते हैं और अपना आर्मर पहनकर अपनी पूरी ताकत से यिमिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन यिमिंग उस अटैक से बड़े प्यार से बच जाती है। तो माइक के फादर फिर से यिमिंग पर अटैक करते हैं, पर यिमिंग माइक के फादर को पकड़ लेती है और अपने हाथ को उनके पेट के आर पार कर देती है। तो माइक के फादर यिमिंग को पकड़ लेते हैं और खुद को उड़ा देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब वो नहीं बच सकते, इसलिए बेटर यही है कि वो अपने साथ यिमिंग को भी उड़ा दे, पर यिमिंग को कुछ भी नहीं होता। अब ये देखकर माइक की मॉम और माइक शॉक हो जाते हैं। तभी माइक के फादर अपनी आखिरी सांस से पहले माइक को वहां से भागने को बोलते हैं, जिसे देखकर माइक के आंसू आने लगते हैं। उसी वक्त यिमिंग बोलती है कि मैं मेरे क्लैन की रैंक लिस्ट में 24 नंबर पर हूँ, ऊपर से मैं 10th लेवल पर हूँ, तो तुम इंसान मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हो। ये देखकर माइक की मॉम यिमिंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ जाने से पहले वो माइक से कहती है कि कुछ भी हो जाए पर अपने फादर का बलिदान जाया मत जाने देना। ये सुनकर माइक तेज तेज चिल्लाकर उसकी मॉम को लड़ने से रोकने लगता है, क्योंकि वो किसी और को नहीं खोना चाहता था, पर डेव माइक को वहां से नहीं जाने देता। अब माइक की मॉम एक सैक्रिफिशियल टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसमें वो अपनी बॉडी को स्प्लिट करके एक फीनिक्स में बदल जाती है और यिमिंग पर अटैक करती है, लेकिन यिमिंग को उससे कुछ भी नहीं होता और वो माइक की मॉम को भी मार देती है, जहाँ मरने से पहले माइक की मॉम डेव से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ, साथ ही वो माइक को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनके माइक चिल्लाने लगता है, तभी यिमिंग माइक की तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही डेव पियरलेस बीट की मदद से माइक को अपनी सिटी के हाउस ऑफ होप में ले आता है। पर वहाँ पहुँचने पर माइक रोते हुए डेव से कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ वापस ले चलो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं मर सकते हैं, लेकिन डेव माफी मांगते हुए उसे अपनी सील में कैद कर देता है, लेकिन माइक इतना इमोशनल हो गया था कि वो उस सील को भी अपने हाथ से तोड़ देता है। ये देखकर डेव खुद के क्लोन्स बना लेता है और अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है ताकि माइक उसे टच ना कर पाए।
क्योंकि टच करने से माइक पियरलेस बीट की टेलीपोर्टेशन पावर इस्तेमाल कर सकता था। अब डेव को भागता देख माइक उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डेव के क्लोन्स थे। तभी माइक को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख डेव माइक की पावर्स पियरलेस बीट की मदद से अपने अंदर डाल लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम वहां गए तो तुम भी मारे जाओगे। पर माइक डेव की बात नहीं सुनता और उसे गालियां देते हुए उस पर फिजिकल अटैक्स करने लगता है क्योंकि वो उसे वापस नहीं ले जा रहा था। तभी हम माइक की बचपन की यादें देखते हैं जिसमें उसके मॉम और डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में सबसे ताकतवर बनके थंडर सिटी और पूरी दुनिया की रक्षा करनी होगी। अब ये मेमोरीज याद आने पर माइक बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बेहोश हो जाता है, तो डेव माइक को कमरे में ले जाने लगता है, जहाँ ले जाते समय वो माइक से कहता है कि मैं तुम्हारा पेन महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ मरने के लिए नहीं ले जा सकता। अब डेव माइक को बेड पर लेटा देता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी मौत जाया चली जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम फ्यूचर में सबसे ताकतवर बनके उन डीमन से बदला लें। अब 12 घंटे बाद माइक को होश आता है, जहाँ होश आते ही वो डेव को टच करके टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो डेव उसे बताता है कि हमें वहां से आए हुए 12 घंटे हो चुके हैं, इसलिए अब तुम वापस नहीं जा सकते हो। ये सुनके माइक गाली देते हुए डेव को मुक्का मारता है, तो डेव भी उसे मुक्का मारकर बोलता है कि अपना बचपना छोड़ो क्योंकि तुम वहाँ कुछ नहीं कर पाते और मारे जाते। ये देखकर माइक उसे और मारते हुए कहता है कि तुम नहीं जानते कि बिना पेरेंट्स के कैसा फील होता है। पर तभी वहाँ वो बच्चा आ जाता है जिसकी डेव ने पहले जान बचाई थी। अब उस बच्चे को देखकर माइक डेव को छोड़ देता है और साइड में बैठ जाता है, तो वो बच्चा माइक के पास आकर उसे एक पतंग देते हुए कहता है कि जब मैं बीमार था तो हाउस ऑफ होप की इंचार्ज मुझसे कहती थी कि अगर मुझे पेन हो रहा है तो मैं रो सकता हूँ क्योंकि रोने से अगले दिन तक सारा पेन खत्म हो जाता है। ये सुनके माइक वो पतंग लेकर जोर जोर से रोने लगता है और बहुत देर हो जाने के बाद भी माइक रो ही रहा था क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद डेव माइक के पास आकर उसे कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि ब्लू हमें जल्द से जल्द 9th लेवल पर पहुँचने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि 9th लेवल के बिना हम उन डीमन से नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद डेव माइक से बोलता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर वापस नहीं जाने दिया था क्योंकि तुम अभी बहुत इमोशनल हो, लेकिन तुम्हें थंडर सिटी वापस तो जाना ही होगा क्योंकि तुम अब थंडर सिटी के अगले राजा हो। साथ ही हमें ये भी पता लगाना होगा कि डीमंस को पियरलेस बीट क्यों चाहिए, इसलिए मैंने ब्लू डोमेन जाने के लिए एक बोट अरेंज कर ली है, साथ ही मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनके माइक डेव को सब चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। आगे हम डेव और माइक को ब्लू डोमेन जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाते हुए डेव माइक से कहता है कि मैंने अपने शहर में एक टेलीपोर्टेशन चैनल बना दिया है ताकि अगर डीमंस थंडर सिटी में हमारा पीछा करे तो हम तुरंत यहाँ आ जाए। इसके बाद डेव माइक से कहता है कि मुझे लगता है कि उन डीमंस को हमारे पियरलेस बीट के बारे में उस कंपटीशन के दौरान पता चल गया होगा, जिसकी वजह से वो हमें ढूंढते हुए थंडर सिटी आ गए। पर पता नहीं अब थंडर सिटी की कैसी हालत होगी, इसलिए तुम्हें थंडर सिटी पहुँचने के तुरंत बाद अपने फैमिली के एल्डर के पास जाके उनसे इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। ये सुनके माइक कहता है कि ग्रैंड एल्डर बहुत स्ट्रांग है, उन्हें पक्का कुछ नहीं हुआ होगा। अब डेव माइक से कहता है कि हमें थंडर सिटी से वापस आने के बाद किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां कोई हमें ना ढूंढ सके, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो, जिसके बाद हम तभी वापस आएंगे जब हम 9th लेवल पर पहुंच कर खुद को प्रोटेक्ट करने और तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये सुनके माइक कहता है कि हमें स्ट्रांग बनने के लिए वक्त नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों कल्टीवेट करने लगते हैं, जहां माइक 4 एलिमेंटल फिशेस की मदद से कल्टीवेट कर रहा था, तो डेव हेवन की ऑरा से। अब कल्टीवेट करते हुए हेवन गॉड डेव से पूछते हैं कि विजडम यानी बुद्धि का मतलब क्या होता है, जिस पर डेव जवाब देता है कि एक ऐसी स्टेट होती है जब एक इंसान अपनी नॉलेज, मेमोरी, इमोशन और विजन को एक साथ इस्तेमाल करे। ये सुनके विजडम सिटी ओरेकल डेव की बुक्स का लेवल बढ़ाकर 2 कर देते हैं। साथ ही इधर माइक की एलिमेंटल फिशेस भी एक वेल में कन्वर्ट होकर डेव में चली जाती है, जिससे डेव के पास एलिमेंटल हार्ट आ जाता है। अब अपने चेंजेस देखकर उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तभी उन दोनों की पावर्स निकलकर मर्ज हो जाती है और पियरलेस बीट में बदल जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे हम एक बहुत ही खतरनाक डीमन लेडी को देखते हैं जो एक क्रिएचर की सोल को एब्जॉर्ब करके हंसने लगती है, और इसी के साथ हमारा सीजन 1 यही खत्म होता है और इसका सीजन 2 जल्द ही रिलीज हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सीजन 2 आते ही आपको अपडेट मिल जाए।